गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू माय क्लास इन स्टैंडर्ड थर्ड इंग्लिश वर्ड। यूनिट नंबर इज 10। इन दिस यूनिट चैप्टर नंबर 1 वी विल डू द रिवीजन ऑफ यूनिट 10 एंड इन दिस यूनिट चैप्टर नंबर 1 इज अ पोयम हाउ क्रीचर्स मूव। ओके, वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस पोयम, नाउ वी आर डूइंग रिवीजन ओनली। सो इन दिस पोयम कि जो सभी क्रीचर्स होते हैं, जो पृथ्वी पे अर्थ पे जितने भी जीव हैं, वो कैसे मूव करते हैं। जैसे कि हम इंसान हैं सभी, तो हम लोग हैं वो मूव करना, यानी कि यहाँ से यहाँ पे मूव करना है, तो हम कैसे मूव करते हैं, अपने लेग्स से मूव करते हैं, है ना, चल के मूव करते हैं, भाग के करते हैं। फिर हमारी बॉडी की भी अलग अलग मूवमेंट होती है, वॉक करना, रन करना, डांस करना, वो सभी मूवमेंट है। तो सभी दूसरे क्रीचर्स भी यहाँ पे आपको दिए गए हैं, तो वो सभी कैसे मूव करते हैं वो बताया गया है। न्यू वर्ड्स में कुछ वर्ड्स है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जो न्यू वर्ड्स है उसके मीनिंग भी हम यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन जो न्यू वर्ड है उस वो वर्ड को यूज करके आपको सेंटेंस बनाना होगा। पेडल, पैडेड यानी फील्ड ऑफ, यानी फील समथिंग विथ सॉफ्ट मटेरियल। सॉफ्ट मटेरियल से कुछ फील किया गया हो उसको सॉफ्ट बनाने के लिए उसको हम क्या बोलेंगे, पैडेड। जैसे कि सोफास होते हैं, गद्दी होती है, उसके अंदर कॉटन को फील करके या स्पंज होते हैं उसको फील करके पैडेड बनाया जाता है ना। तो ऐसा कुछ सॉफ्ट मटेरियल फील करने से कुछ थिंग है वो सॉफ्ट हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, पैडेड बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी थिंग नहीं है, यहाँ पे पैडेड है वो क्या होते हैं, जो लायन है, टाइगर है, उसके जो पाव्स होते हैं, उसके जो पैर के जो फीट होते हैं, पाव बोलते हैं हम जिसको, उसके नीचे सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, पैडेड होता है। वो कोई सॉफ्ट मटेरियल से पैड किया हुआ नहीं होता है, उनको पहले से ही, जन्म से ही, बर्थ से ही उनके जो पाव होते हैं वो पैडेड ही होते हैं। कैमल होते हैं उनके जो पाव होते हैं वो भी पैडेड होते हैं। ओके, गद्दी जैसे होते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं। लाइन यानी एन आर्म और अ लेग। हमारे लाइम्स किसको बोलेंगे, हमारे जो आर्म्स है, हमारे लेग्स है, उसको हम लाइम्स बोल सकते हैं। क्राउल, क्राउल यानी वॉक स्लोली यूजिंग हैंड्स एंड नीज। हैंड और अपने नीज के ऊपर, जो छोटे छोटे बच्चे कैसे अभी चलना ना सीखो उससे पहले वो कैसे चलते हैं, क्राउल करते, यानी कि अपने हैंड्स और जो नीज होती है उसके ऊपर धीरे धीरे जो चलना होता है उसको हम बोलेंगे क्राउल।
डाइव करना, डाइविंग करते हैं ना पानी में, जब भी हम स्विमिंग पूल में डाइव करना होता है ऊपर से जंप करके पानी में हम कूदते हैं, जब स्विम करते हैं उससे पहले उसको हम डाइव करना बोलेंगे। टू जंप इन टू द वॉटर, विगल्स, ये भी मूव करना ही होता है, विगल्स यानी मूव करना ही होता है, लेकिन कैसे अप एंड डाउन और साइड टू साइड मूव करें उसको हम बोलेंगे विगल। ओके, तो ये है हमारे न्यू वर्ड्स। हाउ क्रिएचर्स मूव, तो द लायन वॉक्स ऑन पैडेड पाउस। लायन कैसे मूव करता है, तो वो अपने पैडेड पाव के ऊपर वॉक करके मूव करता है। द स्क्वायर लीप्स फ्रॉम लाइन टू लाइन, लीप्स करना यानी कूदना, छलांग मारना। जो स्क्वायर होती है वो कैसे मूव करती है, तो कूदते कूदते कैसे कूदती है, लाइन टू लाइन अपने पैरों पे, हाथ के ऊपर कभी पैर के ऊपर, ऐसे वो कूद कूद के छलांग मार मार के मूव करती है। व्हाइल फ्लाइज कैन क्राउच स्ट्रेट अप अ वॉल, क्राउच है इसका मतलब क्या होगा, तो वॉक स्लोली यूजिंग हैंड्स एंड नीज। तो जो फ्लाई होती है वो कैसे मूव करती है, तो वो वॉल के ऊपर अपने हैंड्स और नीज को यूज करके वॉल के ऊपर सीधी चलती हुई मूव करती है, यानी घुसटती हुई मूव करती है। एंड सील्स कैन डाइव इन सी, और जो सील मछली जो होती है बड़ी सी सील है, वो क्या करती है, डाइव करती है, जंप मारती है पानी के अंदर, फिर तैरती है, फिर जंप मारती है, ऐसे करके वो मूव करती रहती है। तो वॉर्म ही विकल्स ऑल अराउंड, वॉर्म यानी जो कीड़े होते हैं, कीड़े होते हैं वो अप डाउन साइड टू साइड करके क्या करते हैं, मूव करते हैं। द मंकी स्विंग्स बाय हिज टेल, मंकी है वो अपनी टेल के ऊपर झूलता झूलता मूव करता है, ट्री टू ट्री, एक ट्री के ऊपर लटकता हुआ दूसरे ट्री के ऊपर जाता है, ऐसे मूव करता रहता है। एंड बर्ड्स मे होप अपन द ग्राउंड, और अपन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर क्या करते हैं, कूद कर बर्ड्स है वो फ्लाई करते हुए मूव करते हैं। और स्प्रेड देयर विंग्स एंड सेल, और अपनी विंग्स है वो फैला कर सेल करते रहते हैं। ओके, बट बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स क्या करते हैं, हैव मच मोर फन, उनको मूव करने का थोड़ा ज्यादा फन मिलता है। कैसे, तो दे लीप एंड डांस, वो कूदते भी है डांस भी करते हैं। एंड वो कैन रन, चल भी सकते हैं और रन भी कर सकते हैं, ये सभी तरह से वो मूव कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है रीडिंग दिस फन, अंडरलाइन ऑल द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम। एक्शन वर्ड्स यानी जिसमें कुछ हो रहा हो, है ना, समथिंग डन, कोई एक्शन हो रहा हो जिसको हम बोलेंगे वर्ब। जैसे कि अभी मैं क्या कर रही हूँ, आई एम स्पीकिंग नाउ, तो स्पीक है वो क्या होता है, एक्शन वर्ब। ओके, आई एम टीचिंग नाउ, टीच करना, टीच करना यानी पढ़ाना, तो वो भी एक्शन हुआ। तो जो जो भी एक्शन होता है, खाना पीना बैठना चलना भागना, वो सब एक्शन वर्ड्स होते हैं। तो ये जो पोयम है जिसमें एक्शन वर्ड्स यूज हुए हैं, वो एक्शन वर्ड्स के नीचे लाइन करनी है। तो यहाँ पे मैं सभी एक्शन वर्ड्स है वो यहाँ पे लिख रही हूँ बोर्ड पे। आप अपनी बुक में जो पोयम है पूरी को पोयम में जो जो मैंने वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं उसके नीचे आप लाइन कर देना।
बुक ओपन करनी है, जो पोयम है वो ओपन करनी है। तो पोयम में पहली लाइन से हम देखते हैं, लायन वॉक्स ऑन पेडिंग पाव। सबसे पहले लाइन में वॉक कौन सा एक्शन हुआ, वॉक करने का, चलने का। सो पहला आएगा वॉक्स, दूसरी लाइन में द स्क्वायर लिप्स फ्रॉम लाइन टू लाइन, यहाँ पे लिप्स करना, छलांग मारना, वो एक्शन हुई। वाइल फ्लाइज कैन क्राउन स्ट्रेट अप अ वॉल, यहाँ पे एक्शन है वो है क्राउन। सील्स कैन डाइव एंड स्विम, यहाँ पे दो एक्शन हो रही है। देखो सील से वो डाइव करनी यानी जंप करना वॉटर के अंदर, वो भी एक एक्शन है, और स्विम स्विम करना भी एक एक्शन ही है। सो यहाँ पे दो एक्शन है फोर्थ लाइन में, डाइव एंड स्विम। डाइव भी लिखेंगे और स्विम भी लिखेंगे। फिर देखिए द वॉर्म ही विगल्स ऑल अराउंड, यहाँ पे एक्शन है विगल्स। नेक्स्ट द मंकी स्विंग्स बाय हिज टेल, मंकी है वो स्विंग्स करना, झूलना, तो वो भी एक एक्शन हुई। सो स्विंग्स, एंड बर्ड्स में हॉप अपॉन द ग्राउंड, यहाँ पे एक्शन है हॉप, हॉप यानी कूदना। और सेल करना, सेल भी एक एक्शन है, सेलिंग। बट बॉयज एंड गर्ल्स हैव मच मोर फन, दे लीप एंड डांस, यहाँ पे लीप डांस सभी वर्ड्स है वो एक्शन वो वर्ड्स है। और लास्ट लाइन में क्या है, वो कैन रन, तो वो भी एक्शन है, रन भी एक्शन है। सो अंडरलाइन ऑल द एक्शन वर्ड्स इन योर टेक्स्ट बुक, देयर इज अ पोयम, आप पोयम पूरी पोयम है वो बुक में लिख कर ये जो वर्ड्स है जहां पे उसके नीचे लाइन काट देनी है, या तो फिर अलग से भी आप इसे लिख सकते हो।
boys and girls have the most fun because they can leap, dance, run, because they can. Boys and girls have the most fun because they can leap, dance, walk and run. अब नेक्स्ट लेसन है वो मैच करने वाला है मैच द गॉड्स इन कोलम ए विद दोज इन कोलम बी. कोलम ए में जो गॉड्स है वो कौन से है एनिमल्स के नेम है जो जो लेसन में आए हैं. कोलम बी में वो कैसे मूव करते हैं वो लिखना है आपको. डायरेक्टली आंसर लिखेंगे. लायन है वो कैसे मूव करता है तो बी में जो वर्ड्स है इसमें से क्या आएगा विगल, होप, स्विंग, लीप, वॉक, क्राउड की टाइप. तो लायन है वो कैसे मूव करते हैं वॉक करते हैं. यहाँ पे आंसर आएगा लायन वॉक. स्क्वारल्स, स्क्वारल्स है वो क्या करते हैं विगल, होप, स्विंग, लीप, वॉक, क्राउड की टाइप. तो स्क्वारल्स में आएगा लीप, लीप करते रहते हैं. फ्लाइज, फ्लाइज क्या करेगी ट्रैवल करेगी है ना. सील्स, सील जो होती है फिश वो क्या करती है डाइव करती है ना. यहाँ पे डाइव करती है उसमें स्विम भी करती है लेकिन स्विम नहीं है यहाँ पे डाइव है सिर्फ. यहाँ पे हम डाइव लिखेंगे. फिर वॉर्म्स, वॉर्म्स से वो क्या करते हैं विगल करते हैं है ना. सो वॉर्म विगल. फिर नेक्स्ट है मंकीज, मंकीज में क्या आएगा स्विम साइड स्विम झूलते रहते हैं एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक झूलते हुए मूव करते रहते हैं. फिर बर्ड्स, बर्ड्स में आएगा होप. ओके, तो मैच करना है. फिर नीचे आपको दिया है कि नाउ मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द मैचिंग वर्ड्स.
मैच करने के बाद आपको सेंटेंस बनाने हैं। जैसे कि पहला हमने क्या लिखा, लायंस वॉक, तो लायंस वॉक से सेंटेंस बनाइए कि लायंस वॉक ऑन पैडेड पाउस। ठीक, जो पोयम में भी है आप ऐसे सभी सेंटेंस बना सकते हो। स्क्वायरल्स है तो स्क्वायरल्स स्लीप फ्रॉम लाइन टू लाइन। फिर फ्लाइज है तो फ्लाइज क्राउल ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर क्राउल करती है। फिर सील्स है तो सील्स डाइव इन द वॉटर। फिर है वॉर्म्स, तो वॉर्म्स विगल ऑन द क्लोथ्स। ठीक, या फिर वॉर्म्स विगल ऑन द वेजिटेबल्स। फिर है मंकीज, तो मंकीज स्विंग फ्रॉम ट्रीज टू ट्रीज। बर्ड्स, तो बर्ड्स होप ऑन द स्टेट्स, बर्ड्स होप ऑन द स्टेट्स। इससे आप खुद से ही सेंटेंस है वो बना सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का जो रिवीजन है वो कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले ये वाला जो है वो लिख लो अपने बुक में।